यूट्यूब चैनल डीजार में सर्वेंट दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग आज पायल डीजे आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जमादार वाला दो डीजे आ चुका है और आप लोग ने साउंड टेस्ट तो देख ही लिया। और अगर साउंड आप लोग का अच्छा लगे तो आप कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से वहाँ तक का जैसे आप लोग देख रहे हैं पूरा स्काई ब्लू कलर में जो है आपका डीजे पायल जो आपका आ चुका है यहाँ पे कलमोजा बाजार का जो डीजे पायल है पूरा धमाका मचाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी आप लोग ने साउंड टेस्टिंग तो देख ही लिया लेकिन वीडियो को पूरा देखेगा। ये जो है आज उद्घाटन है डीजे पायल का नया सेटअप आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं पूरा यहां से लेकर वहां तक का जो है नया सेटअप। डीजे खेल जो ऊपर वाला जो डीजे पायल लिखा हुआ है वो ट्विटर ही सिर्फ पुराना है, बाकी जितना आप लोग देख रहे हैं सब नया का नया है। तो दोस्तों यहां आप लोग देख सकते हैं कि टोटल चीज़ जो है आपका नया आ चुका है डीजे पायल का। तो दोस्तों अब धमाका फिर से मचाने के लिए डीजे पायल फिर से ग्राउंड फ्लोर में आ चुका है और आप लोग देख सकते हैं पूरा क्या बोले तो यार मैं तो कह नहीं पा रहा हूँ यार। जब मैं साउंड पास था ये तो बस आप लोग मोबाइल पे देख सकते हैं लेकिन जब मैंने फील किया है वो मैं बता रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे खड़ा था या तो मतलब यहाँ पे लग रहा था वो साउंड, पर जब बेस मार रहा था तो सामने खड़ा रहने का किसी का हिम्मत नहीं होता। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं जितना भी बंदा लोग था वो लोग साइड साइड में ही खड़ा था डीजे के साइड साइड में, क्योंकि वजह इतना ही है दोस्तों, क्योंकि बस इतना ही से वजह है कि साउंड को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। उसका बेस जो था बहुत ही हार्ड था, बहुत ही लाउड। हे गाइस, आज मैं बहुत दिन के बाद जो है लोडिंग और साथ ही साथ टेस्टिंग वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों अब वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे आगे आप तक मिल सके। तो दोस्तों आज मैं डीजे पायल का न्यू सेटअप आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहीं पर फिटिंग हो रहा है, यहीं पर सारा काम हो रहा है। दोस्तों ये एक एक चीज़ जो है यहीं पर फिटिंग हो रहा है, बाहर से सामान लाया गया, मटेरियल लाया गया, उसके बाद जो यहाँ का डीजे पायल का पूरा स्टाफ है सारे लोग जो है यहाँ सेटिंग कर रहे हैं और फिटिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ टोटल चीज़ हो रहा है, उसके मैं आज एक एक चीज़ आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो कि किस तरह से यहाँ पे फिटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों को साउंड टेस्टिंग दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि डीजे पायल का सेटअप रेडी होने को जा रहा है, जाली फिटिंग होने को जा रहा है। तो दोस्तों मैंने एक एक चीज़ को कैप्चर किया है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का डिमांड रहता है कि भैया आप एक शुरुआत से वीडियो बनाइए और इंड तक दिखाइए। कहने का मतलब दोस्तों फिटिंग से लेके साउंड टेस्टिंग तक का दिखाने के लिए आप लोग ने कहा था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उस तरह आप लोग का डिमांडेड के हिसाब से वीडियो लाया है और बहुत ही ये सब चीज़ जो है दोस्तों बहुत ही मुश्किल से और एक आध बार ही जो देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा, स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं एक एक जो है नट टाइटिंग का भी मैंने वीडियो कैप्चर करा हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ से जो है इस बेसबिन को, बेसबिन का साइज़ भी देख सकते हो दोस्तों कि बेसबिन का साइज किस तरह से है और कितना हाइट है, कितना चौड़ा है और कितना लंबाई है, उसके बाद कितना इसका डेप्थ है मतलब गड्ढा कितना है, वो भी चीज़ जो है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए सेटअप को कैसे बाहर लेके जाएगा, उसके बाद वहाँ पे जो है सेटअप को रखेगा, उसके बाद वहाँ पे फिटिंग करके कैसे साउंड टेस्टिंग क्या होगा, मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से आप लोग के लिए लाया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा दिखेगा, स्किप नहीं कीजिए, मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ दोस्तों कि वीडियो को पूरा दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं उनके मन में बहुत सारा सवाल आ जाता है तो वीडियो को आप लोग आधा देखते हैं दोस्तों, इस वजह से आप लोग आता है। लेकिन वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेगा ना तो आप लोग को सारा चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड बेस को भी वहीं पर लेकर जाके रखा जाएगा जहाँ पे
फर्स्ट सेटअप को रखा गया, वहीं पे जाके रखा जाएगा दोस्तों, ताकि जो है साउंड सिस्टम किस तरह से बनेगा वो चीज़ जो है दोस्तों मैं एक एक चीज़ को लेकर आया हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते दोस्तों किस तरह से यहाँ पे फिटिंग करेगा, उसके बाद कैसे सेटअप को चढ़ाएगा, उसके बाद टोटल चीज़ जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने स्पीड भी कर दिया ताकि जो है आप लोग को बोरिंग ना लगे, और साउंड जो है किस तरह से सेटअप को रेडी किया जा रहा है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने उतना भी फास्ट नहीं करा है जितना फास्ट होना चाहिए, मैंने थोड़ा नॉर्मल भी करा है, लेकिन फास्ट इसलिए किया दोस्तों ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह से करके और कितना बेस चढ़ाया जा रहा है, कितना टॉप रखेगा, सारा चीज़ जो है आप लोग को देखने को मिलेगा इस वीडियो पे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा, स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते अभी तक जो है 6 बेस का जो सिस्टम लगाया गया है, आप लोग देख सकते 6 जो है चढ़ चुका है, और उसके बाद जो है उसके बाद 2-15 को चढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2-15 को लोडिंग किया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि 2-15 को चढ़ा दिया गया एक पीस, उसके बाद जो है यहाँ पर लेफ्ट राइट करके चढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ताकि इसमें क्या होता है ना कनेक्शन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने कनेक्शन का भी वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मशीन कनेक्शन का मैंने टोटल चीज़ जो है आपका डीजे पायल का एक एक चीज़ का वीडियो लेकर आया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आखिरकार दोस्तों सिस्टम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं सिर्फ अब 2-15 चढ़ेगा, उसके बाद जो है ट्विटर चढ़ेगा, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक चीज़ लेकर आया हूँ, जो कि है मशीन कनेक्शन। तो दोस्तों मशीन कनेक्शन में बहुत सारे जो दोस्त होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि मशीन कनेक्शन कैसे किया जाए, उसके बाद जैसे कि 4K मशीन हो गया, 5K हो गया, 3K हो गया, वाट एवर जो भी है। लेकिन दोस्तों आप लोग को मशीन कनेक्शन में बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं हमको कमेंट करके भी कहते हैं कि दोस्त भैया क्या आप प्लीज़ एक बार मशीन कनेक्शन का वीडियो दिखाइए, जैसे कि हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उसके लिए भी और बहुत ही बढ़िया, उसके बाद हैवी क्वालिटी में भी और प्लस आपका बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक करके मैंने उसको वीडियो कैप्चर करा है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ जो है सिस्टम जो है पूरा रेडी हो चुका है। आप देखते हैं आप लोग दोस्तों कि मशीन का जो है यहाँ पर फिटिंग होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4K का मशीन इतना सारा रेडी हो गया है, उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 701 मतलब 701 का मशीन है, उसके बाद 501 का मशीन है, जो कि ट्विटर में काम आएगा दोस्तों, ये आप लोग को पता ही होगा। ये दोस्तों देख सकते हैं कि आपका DA20 भी आ गया है, जो कि चैनल चेंजर है, और उसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइजर भी रेडी हो चुका है, जो कि आप लोग को बताना है कितना KV का हो सकता है। ये आपको यामाहा का मिक्सर, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से करके फिटिंग किया जाता है। ये देखिए वायर जो है, ये वायर दोस्तों बॉक्स से आया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है दोस्तों। ये एक एक बॉक्स का आप लोग वाटेज के हिसाब से अपना कनेक्शन कीजिएगा, पहले मशीन पे या तो पिकॉन का यूज कीजिएगा या तो फिर डायरेक्ट वायर का भी यूज कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद जो है मशीन का कनेक्शन बोर्ड में कनेक्शन किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मशीन का, ट्विटर का, DA20 का, सारा चीज़ का जो है स्टेबलाइजर पे कनेक्शन करेंगे, और स्टेबलाइजर का कनेक्शन उस बोर्ड पे होगा जहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक पीला कलर का टैप लगा हुआ है, और उसके बाद ये जो है बोर्ड आपका डायरेक्ट DG पे जाएगा, या फिर आपका जनरेटर पर जाएगा, या फिर मेन कनेक्शन लाइन पर जाएगा, वो AC पे जा सकता है, मैं भी हो सकता है AC से भी चला सकते हैं आप लोग, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं ले पाता AC, इसीलिए हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वायर कनेक्शन हो रहा है, जो कि यहाँ पे सारा चीज़ जो है जैक सिस्टम है, और आप लोग को ये आप लोग को पता ही होगा ये मेल फीमेल वाला है। तो दोस्तों ये जो है मेल है, और मशीन भी फीमेल होता है, और आपका DA20 भी फीमेल होता है। तो दोस्तों ये जितना भी जैक सिस्टम देख रहे हैं ये सारा मेल है, और ये यहाँ पे आप देखिए जैसे 2 में कनेक्शन किया जा रहा है, उसके बाद डायरेक्ट DA20 पे कनेक्शन किया जा रहा है। आप लोग चाहे तो लेफ्ट राइट करके भी कनेक्शन कर सकते हैं, मशीन पे दोस्तों AB होता है और DA20 पे लेफ्ट राइट, तो उसी हिसाब से आप लोग DA20 को B को राइट मान लीजिए और A को लेफ्ट मान लीजिए, उस तरह से मशीन में कनेक्शन कर दीजिएगा, या तो फिर या लेफ्ट में भी आप कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन जो है कभी इको वाला जो साउंड आता है दोस्तों, लेफ्ट राइट वाला साउंड, वो चीज़ तो में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे आपका DA20 को। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ से आउटपुट दिखेगा और DA20 में इनपुट दिखेगा, वहाँ से आप लोग कनेक्शन कर दीजिएगा, वो आपका कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मिक्सर में भी लेफ्ट राइट होता है, ये भी आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। तो ये लेफ्ट राइट मिक्सर में भी होता है, DA20 में भी होता है। तो दोस्तों इसमें दोनों में कनेक्शन करना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों मिक्सर में आपको आपका मोबाइल जैक कॉर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि मिक्सर से भी लेफ्ट राइट कोड डाल दिया गया है DA20 में, और यहाँ से
पावर सप्लाई के लिए यहाँ से अडेप्टर यूज कर रहे हैं जो कि बोर्ड में कनेक्शन किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप लोग के लिए जनरेटर स्टार्ट हो चुका है और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साउंड सिस्टम में मजा लीजिए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो को अब हम लोग आपको साउंड सिस्टम दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। Yeah.